is a winding road. हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। गुड मॉर्निंग, वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, 12:15 के अराउंड का टाइम है, तो गुड आफ्टरनून। और अभी मैं काट रही हूँ मेथी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि फार्मर्स को क्या फीलिंग होती होगी ना, जब वो अपने सो करे हुए सीड्स को हार्वेस्ट करते हैं, जब उनका पूरा खेत हरियाली से भर जाता है, जब सारे क्रॉप्स ग्रो अप होते हैं, उनको कितना अच्छा लगता होगा ना। हमारे किचन गार्डन में तो सिर्फ 2-3 ऐसे छोटे छोटे मेथी के प्लांट्स थे, उनमें से ही मेथी निकालते हुए मुझे इतनी खुशी होती है। ये मेथी मिल गई मुझे मेरे प्लांट्स में से। थोड़े दिन पहले मैंने मेथी मलाई पनीर बनाई थी और उसके बाद अब ये मेथी और आ गई, तो आज मैं आटा बना लूँगी मेथी का। और मैं थोड़ा सा ना मिंट भी लेकर आई हूँ, मिंट का रायता बनाऊँगी। समर्स में मिंट ना एक अलग सा फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, तो दही में या फिर ऐसे पानी में, ऐसे डिटॉक्स वाटर में मैं बहुत मिंट यूज़ करती हूँ समर्स में। तो अभी मिड मॉर्निंग स्नैक चल रहा है, साथ साथ टीवी में कार्टून। अभी खेल कर आए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा पूरा टायर्ड था, पसीना पसीना हो रखा था, रेड चीक्स। अभी मैंने उसको थोड़ी देर बिठाया मिड मॉर्निंग स्नैक देके कि तुम थोड़ा आराम करो, रेस्ट करो, वरना बच्चों को अगर बिठाओ ना थोड़ा देर टीवी चला के या वैसे, तो वो बैठते नहीं है, उनकी मसल्स हमेशा चलती रहती हैं। तो मुझे लगा थोड़ा पसीना सूख जाएगा, बैठ जाएगा, मिड मॉर्निंग अपना ग्रेप्स व्रेप्स भी खा लेगा। आज मैं अपना ये नया वाला पॉट यूज़ करने वाली हूँ, क्यूज़ीन आर्ट का। मैंने दिखाया था ना, अमेज़ॉन से मंगाया था, ये 3 लीटर्स का है और इसके साथ ये लिड भी आई है, तो ये राइस वगैरह बॉइल करने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आज मैं ब्राउन राइस भी बना रही हूँ, तो सोचा इसी के साथ इसका उद्घाटन किया जाए। मैंने ब्राउन राइस भी ओवरनाइट सोक करके रखा था। मैं ये दीप ब्रांड का बासमती ब्राउन राइस यूज़ करती हूँ। अगर ओवरनाइट सोक करके रख दो ना ब्राउन राइस को, तो फिर बहुत अच्छे से पक जाता है ये 10-15 मिनट्स में ही, अदरवाइज ना ये फिर कच्चा कच्चा सा रह जाता है। पालक चॉप करके वॉश करके रखी है, बिकॉज आज मैं पालक वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ और साथ में बनेगी आलू गोभी की सब्जी। तो ये सब चॉपिंग वगैरह मैं करके रेडी रखती हूँ अपना काम, अब बस कुकिंग का काम बचा हुआ है। कुकिंग का 70% काम पता है चॉपिंग लगता है मुझे। अगर कोई मुझे चॉप करके दे देना, तो फिर कुकिंग इतनी जल्दी हो जाती है कि बस पूछो नहीं। इसीलिए मैं ना जब मॉर्निंग में क्लीनिंग कर रही होती ना किचन की, तभी कोशिश करती हूँ चॉप वॉप करके रख लूँ। फिर इस टाइम आती हूँ ना जब किचन में खाना बनाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है अरे वाह यार, मेड ने सब कुछ चॉप वॉप करके मुझे अब दे दिया है और अब बस मुझे फटाफट मेन शेफ की तरह कुकिंग करनी है। कौन कौन मेरी बात से अग्री करता है मुझे जरूर बताना। कढ़ी के लिए मिक्सचर बना के रेडी करी थी, बन गया ये। पालक को मैंने थोड़ा सा कुक करके रख लिया, अब कढ़ी में ये बाकी का कुक हो जाएगा। और मैं आज जिंजर गार्लिक का तड़का लगा रही हूँ कढ़ी में। कढ़ी में फर्स्ट बॉईल आ गया, मैंने पालक भी ऐड कर दिया। इसको हम ट्रांसफर करते हैं पीछे वाली गैस पे। और आज इस क्यूज़ीन आर्ट वाले पैन का ना एग्जाम है, देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है सब्जी बनाने के लिए। मेथी को फाइन चॉप कर लिया है मैंने अपनी इस हर्ब कटिंग सीजर से। जब थोड़े ग्रीन्स हो ना, तो मैं इस सीजर को यूज़ करके एकदम फाइन चॉप कर लेती हूँ। अब बस इसका डो बना लेती हूँ। ये मेरी आलू गोभी की सब्जी रेडी हो गई, मैंने क्यूज़ीन आर्ट वाले पैन में बनाया था ना, तो ये देखो नीचे से ज़्यादा तो नहीं लगा। वैसे इसका बेस मैं कह भी रही थी कि थोड़ा पतला है, बट अच्छा काम किया यार, ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे से लग गया जल गया। सब्जी भी अच्छी बनी है, खिली खिली देखो गोभी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ चिपक चिपक के खराब हो गया हो। मेरा सारा खाना रेडी हो गया है, बस अभी कढ़ी बन रही है। कढ़ी भी 5-7 मिनट और कुक होगी, उसके बाद में उसमें नमक ऐड करके वो भी डन हो जाएगी। और जब तक सब खाना बन रहा था ना, मैंने क्लीनिंग भी ऑन द गो करी है, पूरी किचन मेरी नीट एंड क्लीन हो गई है। जो बर्तन निकलते रहते हैं ना हाथ ही हाथ, वो क्लीन अप होते रहते हैं, तो कभी भी ना मेरी किचन में ऐसा नहीं होता कि एकदम बर्तनों का अंबार लगा है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज। अदरवाइज मैं ना साथ साथ क्लीन अप करती रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा डिशवॉशर भी यूज़ नहीं करती। सच्ची बताऊँ 10-15 डेज में एक बार मैं डिशवॉशर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अंदर से वो थोड़ा सा सेल्फ क्लीनिंग चाहिए होती है ना उसको, तो इसीलिए बस बाकी सब काम हो गया है मेरा। और मेरी मम्मी कहती हैं कि एक अच्छे कुक की पहचान होती है अगर आप कुकिंग करने के बाद गैस ही ना कर पाओ कि इतना सारा खाना इसी किचन में बना है। गोविंद आपको राइस खाना है रोटी? पहले राइस उसके बाद पराठा। ये हो गई हमारी समर की थाली रेडी, राइस, आलू गोभी की सब्जी, पालक वाली कढ़ी
और ये है मेथी वाली रोटी, आम की लौंजी है और साथ में है ठंडा ठंडा मिंट वाला छाछ। ये देखो दोस्तों, ये है हमारा गोल्डन गेट ब्रिज। मुझे लगा आज मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। ये हमने पॉप्सिकल स्टिक से बनाया था, उस दिन मैं आपको दिखा रही थी ना एक वीडियो में, ये उस दिन हैंग था तो क्लियरली नहीं दिखा पाई थी। वैसे बहुत सिंपल है ऐसे बनाना, अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हो जाते हो ना तो आप इस टाइप का ब्रिज वगैरह बना सकते हो। और ये है ओरिजिनल गोल्डन गेट ब्रिज। हमने ये जो मेटल रेल्स है ना, ये टॉइन से बनाई है। और ये जो पॉप्सिकल स्टिक्स हैं ये हमने खड़ी करी हैं, बेसिकली ये जो मेटल रॉड्स, वर्टिकल मेटल रॉड्स हैं। मुझे लगा बड़े दिन हो गए यार इसे बेचारे को ऊपर टंगे टंगे, इसको भी पेंट किया जाए। और ये है मेरे कलर्स का पिटारा, मैं ये वाले एक्रेलिक कलर्स लेकर आती हूँ, वॉलमार्ट पे मिलते हैं एप्पल बैरल के, बहुत अच्छे कलर्स होते हैं, सिंपल है, ब्रश भी वॉलमार्ट की होती है। काफ़ी लोग पूछते हैं मैं कौन से एक्रेलिक कलर्स लेती हूँ। और ये मेरी जुगाड़ू कलर पैलेट है, प्लास्टिक प्लेट से कलर पैलेट बना लिया मैंने। एक्चुअली जो गोल्डन गेट ब्रिज है ना थोड़ा सा रस्टिक कलर का है, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा कलर किया जाए, मेरे पास वैसा रस्टिक कलर है नहीं, तो मैंने क्रिम्सन रेड और उसमें हल्का सा ब्लैक मिक्स किया है, देखते हैं करके कैसा आता है। पता है जिस दिन हम फर्स्ट डे इस घर में आए थे ना, ये एकदम खाली था। ये अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है तो कोई भी सोफा बेड वगैरह कुछ भी नहीं था, और ट्यूसॉन वाला घर हमारा फर्निश्ड था। तो धीरे धीरे करके हमने सारा इसका फर्नीचर लिया, धीरे धीरे करके उसको असेंबल कर करके लगाया। और अब मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ होता है कि कैसे मैंने तिनका तिनका, कहते हैं ना जोड़ जोड़ के आप अपना मकान को घर बनाते हो, ऐसे ही पहले वाले ब्लॉग्स देखोगे तो वॉल्स एकदम ब्लैंड वाइट, और अब मैंने धीरे धीरे करके हर जगह पे कुछ कुछ पेंटिंग्स लगाई। मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी भी ना वेट नहीं करना चाहिए कि यार हमारे पास बड़ा घर होगा, बहुत पैसे होंगे, तभी हम एक्सपेंसिव सीनरीज खरीद के अपने घर को डेकोरेट करेंगे। घर को डेकोरेट करने के लिए ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बहुत सारा मन चाहिए। सिंपल सिंपल चीज़ों से भी आप बहुत सुंदर सजा सकते हो अपने घर को। और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको पता होगा यहाँ पे कम्युनिटी में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ना, सारे अंदर से एक जैसे से दिखते हैं, बट वॉट मेक्स योर होम लुक डिफरेंट इज हाउ यू डेकोरेट इट, कितने प्यार से आपने उसको डेकोरेट किया है, क्या क्या चीज़ें लगा के। और पता है हैंडमेड पेंटिंग्स मुझे कहीं ना कहीं लगती हैं बहुत यूनिक होती हैं, क्योंकि जो भी आप पेंटिंग मार्केट से लेके आते हो ना, ऐसा तो होता नहीं है कि वो एक्सक्लूसिवली वन ही पेंट, एक ही पेंटिंग बनी है। ऑब्वियसली उसके पीसेस होते हैं तो वो किसी ना किसी के पास तो होते ही होते हैं, बट जो पेंटिंग आप खुद से बनाते हो ना, चाहे आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं हो, चाहे बिल्कुल बेसिक मेरे जैसी पेंटिंग्स करते हो, तब भी वो आपकी ना यूनिक हो जाती है, क्योंकि आपके जैसी पेंटिंग कोई और दूसरा नहीं कर सकता। और इस लॉकडाउन ने हमारे अंदर का क्रिएटिव सेल्फ और ज़्यादा जगा दी है। इतनी सारी चीज़ें हम जो बाहर से पहले करते थे अब घर पे करने लगे हैं। गोल्डन गेट ब्रिज को पेंट कर दिया गया है, ये देखो कुछ ओरिजिनल कलर का लग रहा है क्या, बताना यार मुझे। मैंने इसमें ये कलरफुल नहीं है, हाँ पूरा रेड किया है बेटा, क्योंकि ओरिजिनली भी गोल्डन गेट ब्रिज इसी कलर का है। और मिस्टर हबी को बुलाया गया है इसको और थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। हमारे पास ये लाइट्स हैं बैटरी ऑपरेटेड, ये हम लगाएंगे इसके अराउंड और थोड़ी कार्स वगैरह पेस्ट करेंगे। गोविंद के टॉयज के खजाने में से ये छोटी छोटी हमने कार्स ले ली जो हम इस ब्रिज पे लगा देंगे, और वो चाहता है कि सारी कार्स ही इस ब्रिज पे चलने लग जाएं। बेटा ये प्रोटोटाइप है, और ये छोटा भी खड़ा किया जाएगा बिकॉज इस ब्रिज पे लोग चलते भी है ना, हम चले नहीं थे बट हाँ हमने देखा था, नीचे से देखा था हम लोगों ने। इन सबको भी ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे क्योंकि ऊपर हैंग करना है ना तो ये नीचे गिरे नहीं। हमारे पास LED कॉपर स्ट्रिंग लाइट्स भी हैं, जैसे छोटी वाली बैटरी ऑपरेटेड, अभी इसको भी लगा देंगे चारों तरफ ना तो पूरा ब्रिज बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। और ये रेडी हो गया हमारा गोल्डन गेट ब्रिज, इसके अराउंड हमने लाइट्स भी लगा दी। इसको लग रहा है ये लंदन ब्रिज है, और ये पापा का फ़ोन लेके अपनी कुछ व्लॉगिंग कर रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को ये गोल्डन गेट ब्रिज कैसा लगा। अभी 7:10 हुआ है और हम लोगों का डिनर हो गया है। लंच से कढ़ी बची हुई थी, आलू गोभी बची हुई थी, आटा भी था क्योंकि सिर्फ अंशुल ने एक रोटी खाई थी, बाकी मैंने और गोविंद ने तो राइस ही खाया था, तो बस अभी रोटी और कढ़ी के साथ आलू गोभी ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। तो डिनर का ऐसा ही रहता है, जल्दी हो जाता है। कोई पूछ भी रहा था कि हम लोगों को रात में फिर भूख नहीं लगती क्या, एक्चुअली हम लोग 8:15 तक वापस आते हैं, फिर थोड़ा
ऐसे चिल करते हैं, बैठते हैं, पसीना वसीना सुखाते हैं, फिर गोविंद बबल बात करता है, उसके बाद ना हम लोग दूध पीते हैं। तो 9:15 के अराउंड दूध पीते हैं और फिर 9:30-10 तक हम सो जाते हैं, तो फिर भूख लगने का ज्यादा स्कोप होता ही नहीं है, फिर तो सीधा सुबह उठते हैं तभी भूख लगती है। और अभी पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब ये व्लॉग आप लोग देखोगे और कब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी अपना गोल्डन गेट ब्रिज। वैसे मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं और एक वीडियो भी बनाई है, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना रुका नहीं जा रहा कि आप लोग भी उसे जल्दी से देखो। तो अगर आप लोग यार इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिससे कि आपको ना क्विक अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मुझसे ना ऐसा होता है कि नहीं रुका जाता है। कुछ भी मैं कर रही हूँ, कुछ भी छोटा मोटा कुछ है वो मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और यूट्यूब में फिर ना एक वीडियो के थ्रू ही शेयर होता है, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो। मैंने अपनी फ्रेंड को भी वीडियो कॉल करके दिखा दिया, वो चित्रा है ना जिसने मेरा सूट वाला वीडियो बनाया था, उसको भी ऐसे क्राफ्ट करने का बहुत शौक है, वो भी ऐसे बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, तो उसको वीडियो कॉल करके दिखाया, उसने बोला शाम को आऊंगी तुम्हारा ये देखने। तो मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम, और आप में से भी कोई आना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सी, और मुझे बताना कैसा लगा आप लोगों को। वो तो भाग गया है पता है अभी बाहर खेलने, क्योंकि यही टाइम होता है उसका, 7 बजे के अराउंड जाता है और 8:15 तक वापस आता है। मैं भी बस अभी बाल वाल बनाती हूँ, क्योंकि बाल एकदम उजड़े पुजड़े हो गए हैं, आके आज ऑयलिंग भी करनी है, तो बस बाल बनाती हूँ और मैं भी जाती हूँ थोड़ा बाहर इवनिंग वॉक करने। अभी 9:00 हुआ है और आज ना मेरा चंपी डे है। जिस दिन मेरा चंपी डे होता है ना, रात में आराम से बैठ के मैं 15-20 मिनट अपने बालों में तेल लगाती हूँ। कैस्टर ऑयल से ना बालों की क्वालिटी तो अच्छी हो रही है, सॉफ्ट हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालती हूँ और बाकी अपना पैराशूट एलोवेरा जेल, नहीं एलोवेरा कोकोनट ऑयल हेयर ऑयल, ये वाला यूज़ करती हूँ। माइक्रोवेव में दूध रखा था बनने के लिए, तो हम तीनों का दूध भी गर्म हो गया। बस अब दूध पियेंगे, मसाज करेंगे, मैं और अपनी मसाज करती हूँ, फिर अंशुल को भी थोड़ा लगा देती हूँ तो उनको भी रिलैक्स हो जाता है, वरना उसकी भी डिमांड आ गई थी उसको भी ऑयल लगाना है, क्योंकि वो भी सारा दिन ऑफिस का काम करते हैं यार, इतना दिमाग लगाते हैं, कभी कभी हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा पैम्पर करना चाहिए, वो भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं ना। तो बस अभी वो सब करूँगी और डन फॉर द डे, किचन विचन सब हो गया है और हो गया सब काम खत्म, 9:30 तक हम लोग सो जाएंगे। और जिस दिन ऐसे हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना, तो मुझे मम्मी की बड़ी याद आती है, मम्मी इतने प्यार से बिठा के ऐसे चंपी करती है ना। इनफैक्ट अभी भी मैं इंडिया जाती हूँ ना, तो मैं एक दिन भी अपने बालों में खुद तेल नहीं लगाती। जिस दिन मैं ऐसे तेल लगाने वाली होती हूँ ना, तो लेकर आती हूँ, मम्मी कहती है ला तू बैठ मैं लगा देती हूँ, इतने अच्छे से मसाज करती हैं। लखनऊ जाती हूँ तो लखनऊ वाली मम्मी करती है, दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली वाली मम्मी करती है, दोनों मम्मियाँ मसाज करती हैं, बट यहाँ पे खुद करना पड़ता है। अंशुल कर देते हैं अगर उन्हें बोलो कि थोड़ा मत चंपी कर दो, तो बट उनका ना जैसे जेंट्स लोगों का हाथ थोड़ा हैवी रहता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से मसाज कराना अच्छा लगता है, और वो ऐसे ऐसे करके मसाज करते हैं मेरे सारे बाल उल जाते थे, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूँगी। तो बस अभी ये सब करते हैं, और यार इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना क्विक अपडेट्स के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा रहता है कि आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी सब कुछ शेयर करूं। और जो मैंने पॉप्सिकल क्राफ्ट्स बनाए थे ना, उनका भी मैं एक पोस्ट डालूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या क्राफ्ट्स हैं, तो मैं सबकी फ़ोटो लेके एक पोस्ट बना के डालूंगी, तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, होप करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। और फिर से बोल रही हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो, फिर से मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, लव यू ऑल, बाय। टीवी देखते देखते ऑयल कर देना, लगा देना। ऑयल कर दूं आपको भी? मैं तो एकदम स्मार्ट हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय मॉमीज चैनल, लव यू ऑल। फ्लाइंग किस कर दो, ये।